इंडिया की ट्रेनों को तो भैया बुरा हाल है, सीटें फटी पड़ी है, शीशे टूटे पड़े, इतना बुरा हाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का आम इंसान कह रहा है, पर ये आम इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि जब भी कुछ नया सोचा जाता है या करा जाता है तो सबसे पहले नाश यही करता है। अगर आप अच्छी ट्रेन चलाओगे तो उसके शीशे फोड़ देंगे, अच्छी कुर्सियाँ लगाओगे तो कुर्सियों को फाड़ देंगे, उसकी लीड, उसके टीवी को भी उखाड़ के ले जाएंगे, और तो और अगर टूटी लगी तो टूटी को तोड़ कर घर ले जाएंगे, भैया लगाएंगे। इंडिया की ट्रेनों के अंदर मग्गों को बांध कर रखना पड़ता है, वरना यही लोग इन्हीं मग्गों को तोड़कर बाहर फेंक देते हैं। वैस मिशन के अंदर इतना बुरा पान थूकेंगे कि साफ करते करते महीना निकल जाए। और तो और जो चादरें ट्रेन की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है रेलवे की तरफ से, उन चादरों को भी बैग में पैक कर अपने घर ले जाएंगे, जैसे इनका बाप का माल। और ये इंडियन कहता है कि एक आम आदमी कहता है कि भैया ट्रेनों का तो बुरा हाल है, हम जापान और यूरोप कब बनेंगे? भैया कभी नहीं। जब जापान में एक बार एक इंडियन और एक जापानी साथ साथ एक ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, इंडियन ने भी देखा और जापानी ने भी देखा कि वो सीट फटी पड़ी थी ट्रेन। उसके बाद अगले दिन जब वो दोनों मिले तो उसने देखा कि वो जापानी अपने घर से सुई और धागा लेकर आया, पहले उसने उस सीट को सिया। तो ये देखकर इंडियन थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उसके देश के अंदर तो सीटों को खुद ही फाड़ देते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं, ये हाल। तो उसने पूछा, भैया आपने ये क्यों किया? तो उसने कहा कि सर, ये ट्रेन मेरी और इस जापान की संपत्ति है, और जब भी कोई इंसान बाहर से आएगा, कोई विदेशी आएगा, और अगर इस सीट को फटा देखेगा तो वो मेरे और मेरे देश के बारे में क्या सोचेगा, इसीलिए मैंने अपने घर से सुई धागा लाकर इसको सिल दिया, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर रेलवे इस पर ध्यान नहीं देते। इसके अपोजिट आप जानते हो कि इंडिया के अंदर क्या हाल है, शीशों को तोड़ देना, टूटियों को उखाड़ कर फेंक देना, और तो और टीवी, चादर, साबुन सबका नाश कर दो। सीक्रेट, जिसे लोग बड़े ही शौक से और शान से फूक मार मार के पीते हैं, इस फेंकी हुई सीक्रेट और उसके पीछे के बट से लगभग हर साल दुनिया के अंदर 97.7 करोड़ केमिकल प्रोड्यूस होता है। ये केमिकल इतना ज़्यादा है कि ये हमारे पर्यावरण को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। ये दो जहरीले केमिकल से बना होते को तो प्लास्टिक होता सिंथेटिक, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे आज ना करीब हमारे ओशियंस बल्कि हमारी सॉइल भी लगातार खराब हो रही है। और तो और यही वो सीक्रेट है जो हमारे फेफड़ों को, हमारे बॉडी के अंदर शुगर को, और तो और हमारे बॉडी के अंदर कैंसर को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे द्वारा जो आज हम बड़े शौक से और शान से करते हैं। प्लीज़ इन पटकों और इस सीक्रेट को फेंकिए पर ध्यान से, ताकि किसी को, एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचा पाए।